आप सभी का कॉमर्स के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। आपके लिए आज हम आपके बताए गए चैप्टर लेखांकन समीकरण के एक ऐसे प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे जो लगभग इस चैप्टर में आने वाली संपूर्ण क्रियाओं को अपने आप में समाहित रखता है। इसमें हमने प्रयास किया है कि लगभग जितने तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स, हम उन सबको इसमें समाहित कर ले रहे हैं। इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करके आप अपने पूरे बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते इसे आप यदि ध्यान से देखते हैं और इस क्वेश्चन को दो बार तीन बार लगाने का प्रयास करते हैं। ये एक क्वेश्चन ही आपके पूरी इस चैप्टर के जितनी भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कराने के लिए पर्याप्त होगा। आइए देखते हैं कि कैसे हम लेखांकन समीकरण के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका एक प्रारूप होता है, कोई ऑथेंटिक प्रारूप नहीं है, इसे सुविधा अनुसार बनाया जाता है। दूसरी बात, यह कोई खाता नहीं है, क्योंकि अगर खाता होता तो इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती। ये एक स्टेटमेंट है, यह एक विवरण है और विवरण को सुविधाजनक तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर पहला कॉलम हमने सीरियल नंबर का दे रखा है जो आपको बताएगा किस सीरियल नंबर के ट्रांजेक्शन को आपने यहाँ पे सॉल्व किया है। सेकेंड, ट्रांजेक्शंस क्या वर्क किया गया है, किस कार्य के कारण आपने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज में होने वाले इफेक्ट को शो कराया है। मींस सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स और लाइबिलिटीज। इसके बाद एक लाइन देखिए आपका खाली पड़ा है, इसमें हम कौन सी एसेट्स हैं और कौन सी लाइबिलिटीज हैं जिनके बारे में हमने आपसे पिछली वीडियो में चर्चा किया था। तो जो जैसे हमें मिलता जाएगा उसे वैसे ही हम एसेट्स और लाइबिलिटीज के हेड में मेंशन करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, संदेश ने 75,000 से अपना व्यापार प्रारंभ किया। संदेश नाम का कोई व्यक्ति है जिसने व्यापार शुरू किया, तो यहाँ पे आपका ये सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। यहाँ पे देखिए 75,000 आपके पास कैश के रूप में आ रहा है, तो एसेट्स में आपका जो पहला हेड बन जाएगा वो बन जाएगा कैश, और यहाँ पे 75,000 रुपया आप दिखा देंगे क्योंकि कैश के रूप में आपके पास 75,000 रुपया। आप अकाउंटेंट हैं, आप अपने आप को अकाउंटेंट मान के चलेंगे और आपके पास 75,000 रुपया मालिक ने, संदेश नाम के व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया, तो आपके पास 75,000 रुपया आया कैश के रूप में। दूसरा, ये 75,000 रुपया संदेश की पूंजी है, क्योंकि हमने पहले आपसे चर्चा किया है कि बिजनेस में बिजनेसमैन का या ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है, तो चूंकि ये पैसा वो जो दे रहा है इसे हम पूंजी के रूप में मानते हैं, इसलिए हम लाइबिलिटीज में जो अपना पहला हेड बनाएंगे वो बनाएंगे कैपिटल, और यहाँ पे मेंशन करेंगे 75,000 आपके पास बिजनेस में एज ए कैपिटल आ गया। सेकेंड पॉइंट है आपका, उसने अपने मित्र सुरेश से 50,000 रुपया ऋण लिया। अगर वो 50,000 रुपया ऋण ले रहा है तो यहाँ पे भी 50,000 रुपया कैश आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 2 लोन रिसीव्ड, यहाँ पे आप लिखेंगे लोन रिसीव्ड फ्रॉम, जिस व्यक्ति से लिया है उसका नाम आप लिख देंगे सुरेश। कितना आपने लोन लिया है, 50,000 रुपया, तो ये 50,000 रुपया आपके पास आ गया और ये एज के लोन आया, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे प्लस लोन, और यहाँ पे 50,000 रुपया इस लाइन के सीध में आप दिखाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 50,000 रुपीज। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे और देखेंगे आज की डेट में वास्तव में हमारी सिचुएशन क्या हो चुकी है। यहाँ पे लिखते हैं उसके लिए हम
न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में अगर आप देखें तो इसको आप ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1,25,000 रुपीज, और यहाँ पे 75,000 एज ए कैपिटल हमारे पास हो रहा है और 50,000 एज ए लोन हमारे पास हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि जो समीकरण है इसे इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों इक्वल होता है, तो इसको अगर आप देखें तो 1,25,000 और अगर आप इसको भी ऐड करेंगे तो 1,25,000 मींस जहां पे भी हम न्यू इक्वेशन लिख रहे हैं, जहां पे भी हम इसका ग्रैंड टोटल कर रहे हैं, वहां पे हमारा एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है, उसने 30,000 का माल तथा 15,000 का फर्नीचर खरीदा। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है जिस व्यक्ति से खरीदा है, इसका मतलब इन्होंने इसे नकद खरीदा होगा। नकद खरीदा होगा तो 30,000 माल के लिए, गुड्स के लिए इन्होंने पेमेंट किया और 15,000 फर्नीचर के लिए पेमेंट किया, इसका मतलब टोटल 45,000 रुपया इन्होंने कैश दिया है। इसका मतलब हमारे यहां से पहले इसके ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, आप लिखेंगे गुड्स, यहां पे स्टॉक मेंशन करिए, गुड्स अकाउंट नहीं बनता है। अब स्टॉक कितने का स्टॉक है हमारा, 30,000 रुपीज का, या ऐसे आप लिखते हैं स्टॉक एंड फर्नीचर परचेज्ड, स्टॉक एंड फर्नीचर परचेज्ड। तो यहां से टोटल 45,000 आपके पास से कैश जा रहा है, तो जिस आइटम को या जिस अमाउंट को हमें माइनस करना होता है उसे हम स्मॉल ब्रैकेट का साइन दे देते हैं, जिसके द्वारा हमें पता लग जाता है कि ये अमाउंट हमें माइनस करना है, और जिस अमाउंट को हमें ऐड करना होता है उस पर हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 45,000 हमारा हो गया कैश में माइनस, और इसके बदले इफेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे इफेक्ट के रूप में 30,000 रुपीज का हमारे पास स्टॉक आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम नया एक हेड बनाएंगे और उस हेड का नाम रखेंगे स्टॉक, और यहाँ पे हमारे पास 30,000 का स्टॉक हो जाएगा। 30,000 स्टॉक के बाद फिर 15,000 का हमारे पास फर्नीचर भी आ रहा है, तो यहाँ पे एक नया, ये भी एसेट्स हमारी होती है, स्टॉक और फर्नीचर दोनों हमारे एसेट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम एक नया हेड क्रिएट करेंगे और उसका नाम हम रखेंगे फर्नीचर, और इस तरह से हमारे पास फर्नीचर आ गया 15,000 रुपीज का। और इसका जो इफेक्ट इस साइड में रहा ना, तो वो इसका इफेक्ट हमारी कैपिटल पे पड़ रहा है ना ही हमारा लोन पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी एसेट साइड में पड़ रहा है। तो इसमें से सारे ट्रांजेक्शंस का ये मतलब नहीं है कि सारे ट्रांजेक्शंस का जो इफेक्ट होगा वो लायबिलिटी और एसेट्स दोनों में होगा, कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे होंगे जिनका इफेक्ट लायबिलिटी और एसेट्स दोनों में होगा, कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे होंगे जिनका इफेक्ट टोटल एसेट्स में होगा, कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे होंगे जिनका इफेक्ट केवल लायबिलिटी में होगा। ये हमें समझने की बात है कि हमारा इफेक्ट क्या बना रहा है ये ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना। इस तरह से जब हमने ये थर्ड नंबर इसको हैंडल किया, इसके बाद भी हम इसको देखते हैं न्यू इक्वेशन करके कि हमारे पास क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, इसको ऐड करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तो 45,000 लेस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 80,000, मीन्स कैश की पोजीशन हमारे पास जहाँ 1,25,000 थी, 45,000 माइनस करने के बाद वो 80,000 हो जा रही है, प्लस हमारे पास स्टॉक है आज की डेट में 30,000 का, और हमारे पास फर्नीचर है 15,000 का, और इधर अगर देखते हैं तो कैपिटल हमारी आज भी 75,000 की उतनी ही है, और 50,000 का हमारे पास लोन मेंटेन है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। यहाँ पे हमें लिखना होगा न्यू इक्वेशन, आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फोर नंबर। ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ले लिया है जिससे आपको सारी बातें आराम से बताई जा सके एक ही वीडियो में। फोर नंबर पॉइंट है, उसने 18,000 रुपए लागत का माल रमन को 25,000 रुपए में बेचा। देखिए स्पष्ट है उधार माल बेचा है,
क्योंकि नकद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब 18,000 रुपए का माल इन्होंने 25,000 में बेचा है, लेकिन उधार बेचा है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 7,000 रुपए का। तो इसके लिए आपके पास 18,000 रुपए का माल जाएगा जो कि स्टॉक से माइनस हो जाएगा, 25,000 रुपए जिसको आप दे रहे हो वो आपका डेटर बनेगा। डेटर एक एसेट्स होता है, तो एसेट्स में हमें एक डेटर का हेड बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमें जो 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए उस 7,000 को हमें अपनी कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, देखिए यहां पे लिख देंगे स्टॉक कॉस्ट रुपीज 18,000, सोल्ड टू राजेश ना, और यहां पे वैल्यू भी लिख देंगे ₹25,000। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस ट्रांजेक्शन का क्या होगा, 18,000 हमारी स्टॉक कम हो जाएगी, मैंने बताया था ब्रैकेट लगा देंगे, और हमारे कैश पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट इसका दूसरा क्या पड़ रहा है कि हमारे पास 25,000 के डेटर बन जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे एक नया हेड बनाना पड़ेगा, और वो हमारा हेड हो जाएगा डेटर। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे हमारे पास 25,000 के डेटर्स बन जा रहे हैं और 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी 25,000 रुपीज में हमने 18,000 का माल बेच दिया, तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7,000 रुपीज। तो इस तरह से ये 7,000 रुपीज का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है, इसलिए ये 7,000 हमारी कैपिटल में एज ए प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और हमारे लोन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो यहां पे हमारी जो न्यू इक्वेशन बन के आ रही है, न्यू इक्वेशन में हमारी जो कैश की पोजीशन है वो 80,000 पे स्टेबल है, प्लस ये हमारा स्टॉक कम हो जा रहा है, और हमारा स्टॉक अब जो बच रहा है वो बच रहा कितने का, 12,000 का। 30,000 में से 18,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये 12,000 का स्टॉक बचेगा, और हमारे पास 15,000 का फर्नीचर एज इट इज है, और 25,000 का हमारे पास डेटर नया क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें तो हमारी जो कैपिटल है उसमें ग्रोथ हो चुकी है, और हमारी जो कैपिटल हो चुकी है वो 82,000 की हो चुकी है, लोन हमारे पास अभी भी 50,000 का मेंटेन है, और इसके जब लायबिलिटी साइड और एसेट साइड को टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है फाइव नंबर पे हम अगर देखें तो इन्होंने कहा है उसने 10,000 रुपए का माल राजेश को उधार बेचा, यहाँ पे भी सेल किया जा रहा है, 10,000 रुपए का माल बेचा जा रहा है, राजेश को बेचा जा रहा है, उधार बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे भी राजेश हमारे डेटर बनेंगे, और दूसरी चीज 10,000 रुपए का हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, सीधा सीधा ट्रांजेक्शन का असर है। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक सोल्ड टू राजेश ₹10,000 ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे स्टॉक से क्या होगा, 10,000 हमारा माइनस हो जाएगा और 10,000 हमारे डेटर में ऐड हो जाएगा। इसका भी इफेक्ट केवल लायबिलिटी साइड में पड़ रहा है, एसेट साइड में पड़ रहा है, लायबिलिटी साइड में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे इसको भी हम न्यू इक्वेशन के रूप में सॉल्व करके देख लें, न्यू इक्वेशन 80,000 हमारी कैश की पोजीशन है, प्लस 2,000 हमारे पास स्टॉक बच रहा है, बाकी सारा स्टॉक हमने सेल कर लिया, 15,000 हमारे पास एज ए फर्नीचर है, और प्लस 35,000 रुपीज का हमारा डेटर हो चुका है। अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो 82,000 हमारी कैपिटल है और 50,000 का हमारे पास ऑलरेडी आज की डेट में लोन है। इस तरह से हमने 5 ट्रांजेक्शन को अटेंड कर लिए हैं, और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इसके लिए, आगे के ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि सारा आ पाना ब्लैक बोर्ड में, लेकिन प्रयास करेंगे हम लोग। 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर पे क्या हो रहा है, उसने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 5,000 रुपए निकाले। इसको मैंने बताया था ड्रॉइंग्स जो होती हैं हमारी कैपिटल को कम कर देती हैं,
और चूंकि इन्होंने कैश के रूप में निकाला है तो हमारी कैश भी इतने से कम हो जाएगी। तो यहां पे आप लिखेंगे ड्रॉइंग्स मेड, ड्रॉइंग्स मेड, इन्होंने आहरण कर लिया कितने का, 5000 कैश का इन्होंने ड्रॉइंग्स किया है। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है स्टॉक पे, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है और यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में से 5000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है। इस तरह से इसे सॉल्व करके अगर देखते हैं इसका न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, देखें तो 75,000 हमारे पास एज ए कैश बचेगा, 2,000 हमारे पास स्टॉक का बचा हुआ है, 15,000 हमारे पास फर्नीचर के रूप में है और 35,000 का हमारा डेटर स्टेबल है। अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भी हमारी यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगी और ये हो जाएगा हमारा 77,000 का हमारा हमारे पास हो जाएगा हमारी कैपिटल और 50,000 का हमारे पास लोन रहेगा। 7 नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 7 नंबर में बोल रहा है उसने सुरेश को 10,000 रुपए वापस किए। अब देखो तो ऊपर सुरेश से इन्होंने लोन ले रखा है और सुरेश से लोन कितना ले रखा है, 50,000 रुपीज का। अब इसमें से 50,000 के लोन में से 10,000 रुपीज पे कर दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे कैश पेड टू सुरेश। यहां पे क्या होगा, 10,000 आपकी कैश कम हो जाएगी और 10,000 लोन भी आप पे कर दे रहे हो तो 10,000 आपका लोन भी कम हो जाएगा, बाकी सारी जगहों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसका ये होगा जब हम लोन को पे करते हैं तो हमारी कैश चूंकि जाती है इसलिए कैश क्या होगी हमारी, माइनस होगी और हमारा लोन भी कम हो जाएगा। इस तरह से हम लोन को भी कम कर देते हैं। अभी हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो 65,000 हमारे पास कैश हो रहा है, 2,000 का स्टॉक है, 15,000 का फर्नीचर है, 35,000 का डेटर है और यहाँ की स्थिति देखें तो 77,000 हमारी कैपिटल है और 40,000 हमारा लोन रह गया जो कि हमारे पास 50,000 का हुआ करता था। 7 नंबर को हमने अटेंड कर लिया है, इस तरह से इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस बन जाए आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 8 नंबर और 8 नंबर पे है उसने 5,000 रुपए वेतन का भुगतान किया। यहाँ पे भी देखिए ये हमारा नॉमिनल एक्सपेंस है और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 5,000 रुपए का वेतन भुगतान करने के कारण 5,000 आपकी कैश से तो माइनस होगा ही होगा, साथ साथ ये एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, कैपिटल से भी माइनस कर देते हैं। तो इसका इफेक्ट दोनों साइड में हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे सैलरी पेड, सैलरी पेड में 5,000 हम अपने कैश से माइनस करेंगे और 5,000 हम कैपिटल से भी माइनस कर देंगे और बाकी जगह पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वहां पे हम जीरो मेंशन कर देते हैं। और इसका फिर अब न्यू इक्वेशन देखते हैं। इसके न्यू इक्वेशन की बात करें तो यहां पे देखें कैश की पोजीशन 60,000 रुपीज हो रही है, 2,000 का स्टॉक, 15,000 का फर्नीचर प्लस 35,000 का डेटर हमारे पास हो रहा है। और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हमारी और कम हो गई, अब ये हमारा हो जाएगा 2 और 72,000 की कैपिटल और 40,000 का लोन हमारे पास हो रहा है। फिर अगर 9 नंबर की बात की जाए तो 9 नंबर पे क्या हो रहा है, राजेश से पूर्ण भुगतान में 9,500 रुपए प्राप्त हुए। आप देखिए राजेश को हमने पीछे सेल किया था, यहाँ पे देखने के बाद ये देखो स्टॉक कास्ट रुपीज 18,000 सोल्ड टू राजेश, सॉरी ये नहीं है, स्टॉक सोल्ड टू राजेश 10,000 ऑन कॉस्ट, राजेश को 10,000 रुपए का यहाँ पे क्या था 18,000 का सोल्ड किया था, 75,000 ये 25,000 में इन्होंने सेल किया था इनको। ऐसी स्थिति में देखते हैं ये 10,000 वाला एक क्लियर कर रहे हैं कि राजेश से पूर्ण भुगतान में 9,500 रुपए प्राप्त हुए, मीन्स 10,000 रुपए का जो इनको सेल किया गया था उसमें से 9,500 रुपए देकर इन्होंने क्या किया उसको फाइनल कर दिया।
तो अगर यहाँ देखते हैं कि 10,000 रुपए के बदले में हमें 9,500 रुपए मिल रहे हैं, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हमको 500 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ रहा है जल्दी पेमेंट पाने के लिए, क्योंकि डेटर को हम जो डिस्काउंट देते हैं वो कैश जल्दी रिसीट करने के लिए देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे कि अमाउंट रिसीट फ्रॉम राजेश इन फुल सेटलमेंट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राजेश इन फुल सेटलमेंट, फुल एफएस फुल सेटलमेंट आप इसको लिख लेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपको 9,500 रुपीज मिल रहे हैं, तो जो कि आपकी कैश को इंक्रीज करेंगे, कैश में 9,500 मेंशन कर ले रहे हैं, और इसके बदले जो 9,500 मिल रहे हैं ये हमारी कैश को बढ़ा देते हैं, सीधा सीधा इसका इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा 500 हमारी क्या हो रही है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इससे हमारी कैपिटल क्या हो रही है, माइनस हो जा रही है। और राजेश को चूंकि हमने डेटर बनाया था, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि राजेश को हमने 10,000 से डेटर बनाया था, तो ये हमारा 10,000 डेटर भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका पेमेंट हमें मिल चुका है, तो 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 9,500 हमें एज ए कैश मिल रहा है, और 500 हम एज ए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट क्या करेगा, हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा, तो 500 हमारी कैपिटल से माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम इसके न्यू इक्वेशन को बना के देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है इसका। टोटल निकालने के लिए लाइन खींचेंगे हम, और यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहां पे देखें तो हमारा ये 9,500 से ये बढ़ जा रहा है, तो 69,500 हमारी कैश की पोजीशन है, और ये 2,000 हमारा हो जा रहा है स्टॉक, और 15,000 हमारा हो जाएगा फर्नीचर, और यहां पे हमारा जो 35,000 था डेटर, ये हमारा 25,000 रुपए बचेगा। यहाँ की अगर स्थिति देखें तो 500 हमको एज ए डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो हमारे पास जो बचेगा अमाउंट 71,500 प्लस 40,000 का लोन हमारा ऑलरेडी अभी मेंटेन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 नंबर, जिसपे कहा गया है आदत्त मजदूरी। देखिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, चूंकि अकाउंट पढ़ाएंगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होने के नाते ये हमारा क्या करेगा, कैपिटल से माइनस होगा पहली चीज तो, और दूसरी चीज इस एक्सपेंस को पे नहीं किया गया है, मींस अभी पे करना बाकी है, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी है हमारा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के रूप में एक नया हेड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और वो क्रिएट करेंगे लायबिलिटी साइड में, तो यहां लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग में जितना भी हमारा, चाहे वो वेजेस आ जाएगा, चाहे सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगी, इंटरेस्ट, मींस एवरीथिंग, जो कुछ भी हमारा आउटस्टैंडिंग होगा वो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग में हम उसको दिखाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे 400, यहाँ पे देखिए इसके एसेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे जीरो मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 400 हम माइनस करेंगे अपनी कैपिटल से, और यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ जीरो लगा देंगे, और यहाँ पे प्लस 400 रुपीज का हमारा आउटस्टैंडिंग का एक नया हेड क्रिएट हो जाएगा। और इसका भी जब हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं तो देखते हैं कि हमारे बैलेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहां की जो सिचुएशन बन जाएगी वो न्यू इक्वेशन पे, न्यू इक्वेशन के टाइम पे कैश की पोजीशन हमारी स्टेबल है 69,500, स्टॉक हमारा 2,000 पे स्टेबल है, 15,000 रुपीज का हमारे पास फर्नीचर है, 25,000 के हमारे पास डेटर्स हैं। लेकिन अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 400 ये माइनस हो जाएगा, 71,100 हो जाएगा हमारे पास कैपिटल, 40,000 का हमारे पास लोन मेंटेन है, और हमारे पास आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन जा रही है 400 रुपीज की। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रीपेड इंश्योरेंस। 11 नंबर पे आपको मेंशन करना है प्री, देखिए स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, छोटा लिखने का प्रयास करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस।
प्रीपेड एक्सपेंस में देखिए इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा। पहली चीज तो प्रीपेड एक्सपेंस आपने आगे की पेमेंट इसी वर्ष कर दी है, करंट ईयर में आपने नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिया है, तो ये करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए एज एसेट्स हो जा रहा है। तो एक तो हमें इसको एसेट साइड में शो कराना पड़ेगा। दूसरी चीज ये हो रही है कि आपके पास से कैश जा रही है, मींस आप प्रीपेड कर रहे हो तो कैश तो आप पेमेंट कर ही रहे हो, तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा हो रहा है कि कैश आपकी 1500 से माइनस हो जाएगी और हमारे एक नया हेड एसेट्स में बनेगा प्रीपेड के नाम से। तो यहां पे हम एक नया हेड क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हो जाएगा प्रीपेड। अब प्रीपेड में कई चीजें आ सकती हैं, जो भी चीजें हमें मिलेंगी हम उसको इसमें मेंशन करेंगे। तो प्रीपेड में 1500 हमारा रिड्यूस कर रहा है हमारी कैश में से, स्मॉल ब्रैकेट में डाल देंगे, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे 1500 का हमारे पास एक नई एसेट्स क्रिएट हो रही है। लायबिलिटी साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या स्थिति इसकी बनती है। स्पेस बहुत कम हो गया है, यहां की बात करें तो जब हम इसका न्यू इक्वेशन देखते हैं तो ये सब्सट्रैक्ट कर जाएगा हमारा, ये हमारा 8 और ये 6, मीन 68,000 की कैश हमारे पास हो जाएगी, 2,000 का स्टॉक, 15,000 का फर्नीचर, 25,000 का हमारे पास डेटर है, प्लस 1500 का हमारे पास प्रीपेड हो जा रहा है। देखिए इस ट्रांजेक्शन का लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं है, तो लायबिलिटी हमारी कोई इफेक्टिव नहीं होगी। 71,100 की हमारी कैपिटल है, 40,000 रुपीज का हमारे पास लोन है, और ये 400 का हमारे पास क्या है आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 12 नंबर पे हमने मेंशन किया है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे आप कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड के टाइम पे क्या हो जाएगा, 50,000 आपको कमीशन मिल रहा है, तो 50,000 आपके कैश में ऐड हो जाएगा। पहली चीज तो 50,000 कैश में ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट पड़ेगा ये कमीशन का, ये जो आ रहा है 50,000 ये क्या करेगा आपकी कैपिटल को भी बढ़ा देगा, तो 50,000 हमारे क्या होगा कैपिटल में भी ऐड कर जाएगा, क्योंकि इससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी और इसका और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या पोजिशन होती है कमीशन रिसीव्ड पर। कमीशन रिसीव्ड मेंशन करने के बाद हमारे पास जो कैश की पोजीशन आ जा रही है इसको थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं उपार्जित ब्याज, नीचे कर दे रहे हैं उपार्जित ब्याज, ये 2000 का नीचे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस ऊपर बन जा रहा है। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये आपके पास हो जाएगा न्यू इक्वेशन। यहां पे कैश की पोजीशन चेंज हो गई, अभी हो जाएगा 1,18,000 हमारे पास कैश हो जाएगा, स्टॉक हमारा 2000, फर्नीचर 15,000, 25,000 का आपके पास डेटर है और 1500 का प्रीपेड है। इधर की बात करें तो यहाँ पे भी परिवर्तन हो चुका है और ये आपकी जो कैपिटल है वो ग्रोथ हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो ये 121,000 रुपए 1,21,100 रुपीज हमारे पास कैपिटल, प्लस 40,000 रुपीज का आपके पास लोन है और 400 के आपके पास आउटस्टैंडिंग्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये 12 नंबर था, इसको 13 कर लेते हैं तो बेहतर होगा, ये 14 हो जाएगा आपका। तो 13 नंबर की बात करें अगर, तो यहाँ पे कह रहा है किराया अग्रिम प्राप्त, मींस क्या हुआ कि रेंट किसी ने आपको एडवांस दे दिया। जब रेंट आपको एडवांस मिल रहा है तो यहाँ पे दो प्रभाव पड़ रहे हैं, पहला तो आपको रेंट के रूप में 24,000 मिल रहा है तो आपकी कैश बढ़ रही है, दूसरी चीज इस रेंट को उसने यूज नहीं किया है अभी,
मीन्स उसने एडवांस दे दिया, तो जब तक वो आपका रेंट पे जो मकान है या जो आपकी लैंड है, जब तक वो उस टाइम पीरियड उसको यूज नहीं कर लेता तब तक आपके लिए वो लाइबिलिटी है। मीन्स इसका इफेक्ट दोनों साइड में पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो यहाँ पे क्या होगा 24,000 रुपीज का हमारे पास ये कैश पड़ गया, और ये हमारे पास जो एडवांस रेंट आ रहा है तो ये हमारे लिए क्या बन जा रहा है, लाइबिलिटी बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये भी प्लस एडवांस, एडवांस में आपके पास ये बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है ये एडवांस रेंट 24,000, तो ये भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ जा रही है कि ये 24,000 आपने किराया एडवांस में ले लिया है। तो इसकी अब हम इक्वेशन को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सॉरी, इसका जो न्यू इक्वेशन बनेगा उस ये 24,000 हमें नीचे मेंशन करना होगा प्लस 24,000। ऐसी स्थिति में देखते हैं तो ये कैश की पोजीशन हमारी फिर बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 1,42,000 कैश हमारा हो जाएगा, और स्टॉक हमारे पास 2,000 का है, 15,000 का फर्नीचर है, प्लस 25,000 का हमारे पास डेटर है, और 1,500 एज ए प्रीपेड हमारे पास एसेट्स ग्रुप में है। यहाँ की पोजीशन अगर हम देख लें तो यहाँ पे तो कैपिटल हमारी में कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 1,21,100 प्लस 40,000 रुपीज का आपके पास क्या है, लोन है, 400 का हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, और 24,000 का हमारे पास एडवांस अमाउंट रिसीव हुआ है, और यहाँ इन सारी जगह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो यहाँ पे हम जीरो मेंशन कर देते हैं, कैलकुलेशन के लिए बेहतर रहता है। और ये लास्ट पॉइंट लग रहा है कि ये पूरा हो जाएगा, उपार्जित ब्याज मींस एकर्ड इंटरेस्ट, एकर्ड इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पे देखिए एक उपार्जित ब्याज का मतलब क्या है कि ब्याज हमने जनरेट कर लिया है, ये हमारी इनकम जनरेट हो चुकी है बट हमें ये रिसीव नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर इनकम जनरेट हो चुकी है तो इसका मतलब हमारे कैपिटल में ग्रोथ हो जाएगा, कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, और दूसरा और ये उपार्जित ब्याज का हमारे पास, देखिए सीधी सीधी बात है कि हमने ये एक एसेट्स बन जाएगी हमारे पास एकर्ड कि हमने इसको जनरेट कर लिया, दूसरी चीज ये है कि हमारी ये कैपिटल में वृद्धि कर देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे हम एकर्ड का एक नया हेड बना लेते हैं, प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा एकर्ड इंटरेस्ट, लिखना चाहे आप एकर्ड इंटरेस्ट लिख लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2000 का हमारे पास एकर्ड एक नया हेड बन गया, ये हमारी एसेट्स बन गई, और इससे हमारी कैपिटल में भी ग्रोथ हुआ, कितने का 2000 रुपीज का हमारी कैपिटल में ग्रोथ हुआ, और बाकी जगह पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में इस चीज को हमें इफेक्ट को ही देखना है यहाँ पे, क्योंकि इफेक्ट से ही सारा कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होना है। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो हमारे पास जो इसका न्यू इक्वेशन या फाइनल इक्वेशन एक हिसाब से कहें, ये आपको हमें न्यू इक्वेशन नहीं लिखना होगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में हमारे पास 1,42,000 रुपीज की कैश की पोजीशन है, 2,000 हमारे पास स्टॉक है, 15,000 का आपके पास फर्नीचर है, 25,000 का डेटर है, और 1,500 का प्रीपेड है, और 2,000 का आपके पास एकर्ड है। यहाँ की पोजीशन देखें तो ये 100 और 3, 2, 1 मीन्स 1,23,000 एंड 100 आपके पास एज ए कैपिटल है, 40,000 आज भी आपके पास एज ए लोन है, 400 आपके पास है आउटस्टैंडिंग, और 24,000 आपके पास एडवांस है।
इस तरह से आपका ये फाइनल इक्वेशन बना। अभी थोड़ा सा स्पेस कम है, इसे हमें ऐड करके आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इसको बेहतर तरीके से देख सकें और इसको सॉल्व कर सकें। थोड़ा सा इसको चेक करने का प्रोसेस क्या है कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सही है या गलत। तो हम इसी में स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा चेक करने के लिए। चूंकि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो यहाँ पर मिटाया जा सकता है। इसको मिटा के हम जरा चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा सही से सॉल्व हुआ है या नहीं सॉल्व है। आप देखें तो 1,42,000 का एक एसेट्स है आपके पास कैश के रूप में, 2,000 रुपीज का आपके पास ये स्टॉक है, 15,000 का फर्नीचर है, 15,000 एज ए फर्नीचर, 25,000 एज ए डेटर एंड 1,500 एज ए प्रीपेड एंड 2,000 एज ए एकर्ड। इसको ऐड करके देखते हैं इसकी जो पोजीशन बन रही है, तो 2, 4, 5, 4, 9, 5, 14, 1, 15, 2, 17 और 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8 और 1 1,87,905। फिर से एक बार देख लें, 2, 2, 4, 5, 4, 9, 5, 14, 3, 17 और 2, 1, 3, 1, 4, 4, 8 ठीक है। और लाइबिलिटी साइड का देख लेते हैं, 1,23,100 आपकी एज ए कैपिटल है, 40,000 आपके पास एज ए लोन है, 400 एज ए आउटस्टैंडिंग है एंड 24,000 एज ए एडवांस है, 500 और 437, 4, 2, 6, 2, 8 और 1 1,87,905। आप इसको देखें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो लाइबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल, ये देखिए 1,87,500 एंड 1,87,500 मींस लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों हमारे इक्वल हैं। इसका मतलब हमारी जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन से इस चैप्टर को सॉल्व करने में पूरी हेल्प मिलेगी। आप इसे 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके इफेक्ट को समझें, इसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें। धन्यवाद।